8.3 में। पहले तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आराम वाला गौर पर देखना कि कहीं साइन अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो उसको कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा, और अगर टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो तो टेन थीटा, और अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो कोसेक थीटा, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो ये सूत्र है। पहले तो उतार लो फार्मूला को सब लोग, अच्छे आप हल करेंगे। देखो एकदम ध्यान से समझना, आपको देगा सवाल में कि साइन 70 बटा कास 30 का मान बताइए, कास 20 का। दूसरा आपका देगा टेन 50 बटा काट 40 का मान बताइए। तीसरा दे देगा टेन 60 बटा कास। ए यार उदाहरण दे, क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, मतलब नहीं क्या मालूम क्या तरह पढ़ा हुआ, कौन हुआ था इंटर का सवाल है, एक बार सुन लिए, अलग थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, मेरा काम है कि आपको किसी दिन सिखा देना। आइए यहाँ पर 30 आपका देखिए, सेक जितना तर किताब में डालब उतना पढ़ा देंगे तो कबो ना सीखब, ये जान जा, जितना आपका किताब में है केवल उतना पढ़ा देंगे तो नहीं सीखेंगे। कोचिंग किस लिए किया जाता मालूम है, कि हम लोग को पूरा का पूरा जानकारी हो जाए उस अभ्यास का, कोई उसमें दिक्कत ना हो। हमारे लिए पाँच सवाल पर छाप के दे दिए तो उसे क्या हो गया, क्योंकि पाँच हो के 50 को बना के पढ़ेगा कि उसमें कब हो जाएगा, कौन टाइम कौन अभ्यास में जितने अधिक पढ़ेंगे उतनी जानकारी बढ़ती है। जानना मोबाइल 5 मिनट चले वही में, यार 1 घंटा चले गए बहुत अंतर, 1 घंटा में बहुत ज़्यादा सीख लोगे, ये होता है। चलो देखो इसका नियम क्या होता है, हम बताते हैं सबसे पहले, इसमें एक मान को चेंज कर देते हैं, एक मान को माने ऊपर वाला के मान को है, चाहे ये मान है चाहे ये मान है चाहे ये मान, एक को चेंज कर, चाहे नीचे वाले एक को चेंज कर। और चेंज करने के दो तरीका होता है, हाँ बोलिए, का कहानी है कि दोनों में से कौन चेंज करते ना, सुन लो, चाहे नीचे चेंज करे तो ऊपर ही को कौन चेंज करेगा, बस चलो साइन लिखो। आज को तुम क्या लिख सकते हो, देखो जहाँ साइन बानो पहले समझो, जहाँ साइन बता 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन नहीं करे, 90 में से 20 घटा देगा 70 आ जाएगा, 90 में से 20 घटेगा कितना आ जाएगा 70, और नीचे अगर कास 20 है तो कास 20 लिख दो, बात करता हूँ, नहीं नीचे वाला नहीं चेंज करना है, एक ही चेंज करना है केवल, ऊपर वाला चेंज कर दो, अगर ऊपर वाला चेंज नहीं करना तो नीचे वाला चेंज, तो कॉस लिख दिए 90 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 70, और नीचे वाला जो है कॉस 20 से ही लिख। सुनो और अब बताओ, इतने के जगह पर साइन अगर 90 आ गया तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, आप पढ़े भी होंगे, देखिए यहाँ पर साइन अगर इतना आ गया जो यहाँ पर होगा वही लगा के लिखा गया है, 90 छोड़ देंगे, 90 का मतलब क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो इसके साथ क्या लगा के लिखेंगे 20, और नीचे फिर आप क्या लगा के लिखेंगे 20, कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल लिखा गया, कॉस 20 से कॉस 20 का किया गया, अरे तब 90 में से उसको घटाएंगे, 90 में से उसको घटा के मैंने ऐसे करने को उतना आ जाए, आप फिर उसी को चेंज करके लिख देना, जैसे दिया आई ये वाला देखो तो टेन होगा लिखेंगे, बताओ 90 में से कितना घटाएंगे 50 आएगा 40, ये 50 मत घटा देना नहीं तो मान बदल जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 50 ही आना चाहिए, तो 90 माइनस का आ गया 40, और आइए काट कितना आ गया 40, और सुनो अब 90 बता छोड़ देंगे 90 को, और 10 किस में चेंज होगा, देखो 10 90 कॉट में, तो कॉट कितना आ जाएगा 40, बटा में कहा जाएगा कॉट 40, कॉट 40 से कॉट 40 कट गया, एक हो गया, अब तो उदाहरण जो जो आप देख रहे थे वो तो अब लग ही जाएगा, एक मिनट में लग जाएगा, हाँ 90 और 40 जोड़ बजे कितना मालूम है तरह, काहे के जोड़ बजे सूत्र 90 लिखा हुआ था, काहे बना लो बताओ, काहे 90 माने बना लो, जो तार बात भाव बात तो मानो तो नहीं है, लेकिन आखिर जो तू टॉपिक पढ़ा था वो पर तो ध्यान दे, आप अगर कोई सवाल देंगे तो आंसर और दोनों का जो मान है उसको जोड़ेंगे तो 90 होगा, हाँ ये जोड़ने पर 90 आना चाहिए, ये नियम है, हाँ
इसलिए 90 का ही यूज कर रहे हैं। हालांकि इसका सूत्र तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा वाला लिखे ना, जैसे पूछ रहता आकाश, एक 90 प्लस थीटा वाला भी होता है, एक 180 माइनस थीटा वाला भी, जैसे चतुर्थांश पढ़े ना इस तरीके से, यहाँ पर 90, एक 90 प्लस थीटा वाला होता है, एक 90 माइनस थीटा वाला होता है, एक यहाँ पर 180 होता है ना, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब है क्या, देखो 6 गो 6 गो 12 गो 6 गो 18 गो 24 गो 30 गो 36 गो 42 गो 48 गो फॉर्मूला होगा। और कहना तो पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो 10 में तो केवल इतना ही दिया, छोड़ो उसका 11 में जाओगे तो पूरा ये पढ़ना। हाँ लेकिन एक बात जानना, पढ़ लो 10 में कि 11 में दिक्कत नहीं होगा, एक झलक देख लिया जाएगा कट कर। चलिए पहले हम लोग जो सिलेबस में उसको पढ़ लें, ठीक है, इतना है। अब आइए देखो इसको चेंज करना है, तो चेंज करने का तरीका क्या होगा, 10 लिखो और 90 तो पहले हमेशा लिखना है, तो ध्यान रखना, और 90 में से कितना घटा दो, 60 आ जाए, 30 लिख लो। अच्छा यहाँ पर कॉट लिख लो, कॉट 30। देखा सवाल नो एक बार ट्रिक, सवाल कब हंग देगा तो एक के मान एक है, एकदम नीचे थी भाई एक है। हाँ चला इन 90 में, अब 90 छोड़ रहा 10 किस में, काट में, काट 30 नीचवा भी काट 30, काट से काट कैन से देख ना, एक सर एक है माने तू ही बतावा, 4/4 है तब एक आई, 10/10 है तब एक आई, आई बकरी बा तब एक आई, माने जवन रही तवन एक रही, का आलोक आलोक बेटा आलोक बा तब आलोक बेटा आलोक बा तब का आई एक आई, मैं क्या करेगा माने बटा में कुछ रहे हमेशा एक आता। हाँ तो वही बात, आलोक माने प्रकाश होता है, प्रकाश को कोई नहीं काट सकता, काट दियो के अरे तो जान लो, जो बच्चे होते हैं ना टीचर उसको बेटा ही समझ के पढ़ाता है, काश हम लोग अपने बेटों को इतना ध्यान से पढ़ाते जितना आपको ध्यान से पढ़ाया। दुनिया में जितने भी टीचर होंगे, स्वामी विवेकानंद कहा भी है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता उसको कोई नहीं माप सकता, कितना भी तौलोगे कभी नहीं मिल सकता, इतना प्यार से कभी बैठ कर कब कहीं नहीं बैठ सकते, कहीं नहीं बैठ सकते, एक टाइम होता है। चलो हाँ एक तुर दस एक नीचे तुर को बता दे, देखो देखो घेर रहने उन्हें ना चल गया, ये वो टारगेट ले ला ऊपर वाला तुरे को ऊपर वाला तुरे, अब कूद के नीचे कूद के ऊपर तो फिर सस्पेंशन हो जाए, ये वो टारगेट बना लो ऊपर वाला तुरे। आया चले नीचे वाला बता देते लड़का का नाम है, चलो भाई क्वेश्चन लिख ला, 90 माइनस कहाँ 45 लिखा था मालूम चलता, अरे 90 में से 45 फिर 45 आ जाए, हाँ इससे 45 अब अगर चेंजिंग कर 90 छोड़ दे के ए ना लड़का तुल तब भाई 90 छोड़ दे कोशे कई में बदल देखा है, अरे उसे लिखा दिल बस एक आ जाओ नहीं जब तो लिख दो नोट करोगे कल ये दिया आएगा। चला जाओ, हाँ देखो एक टाइप के और सवाल आपको हम बता रहे हैं, शायद आप समझ गए हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि पेन 7 है काट 83 है तो बना लोगे सब लोग, तो क्या करें, हाँ बोलिए, हाँ 90 छोड़ा जाए 3 कहीं में है, अरे एकदम निश्चित बात, जो नीचे बटन ऊपर है, जो नीचे बटन ऊपर है, जो नीचे बटन ऊपर है, हाँ अगर असलम कोई दिक्कत, लालू कोई दिक्कत, तुमका बाबू सबको याद, अरे आदित क्या पूछना है कुछ, अभिषेक क्या प्रिंस, हाँ समझ में आएगी ना कुछ, ये वो कौन चेंज कर दे बस ऊपर वाला, हाँ मान ये सब सवाल है तो कट को हमेशा एक है यहीं अभी कह दिया, हाँ हम बोलो, हाँ बोलो, हाँ क्यों बोलता, अच्छा चलाओ हो गया, अब उसको अब इतना मत हो प्लस कर दो, हो गया 10 से 1:40 बजे का रहे ना, अरे देखो कल हम देखे थे और देखे ना पोंका बा, हाँ चला गया बन जाइए 10 से कितना लिखा जी, 90 माइनस 50
अनिच्छा कितना जाए कोशेक 50, ऐसे कीमा बदल जाए कोशेक 50, हाई कितना जाए कोशेक, हाई कट गए कितना आ गई को दिक्कत। अब एक टाइप करी सवाल हम, हाँ तुम लोग अच्छा लग रहा है ना मैथ। अच्छा एक कमान पूछेगा बताने के लिए, इसका मान बीस माइनस ए, उसे कहता दीजिए 20 माइनस ए क्या हल हो आज हमने के देखे ठीक है। अच्छा मान लो कि कोशेक 20 माइनस ए दे दिया, तब आप इसको कैसे हल करेंगे। सेक है आई कोशेक है तो एक कब ना तुरल जाए, एक तुरल जाए जौन अकेला रही एक तुरल जाए। तो सुना अब क्या अंक टूटी, मान लीजिए अंक रहा तो लिख के घट नबे में से घटा दे देते। अब ऐजा का हो सेक मानो सेक तो कह जाए कोशेक लिखाई नहीं क्या लिखाई कोशेक लिखा जाइ आ नब्बे माइनस टूए लिखाई, नबे माइनस जहाँ सेक बाई तहाँ कोशेक लिखा था ना नबे माइनस थीटा तीजा लिखाई नबे माइनस टू एकदम समझ कुल कुल मौसम समझ कर। अगर यह टेन रही तो काट नबे माइनस ए लिया, कोशेक रही तो सेक नबे माइनस ए लिया। माने जब नब्बे लिखोगे तो चेंज करके लिखना, चेंज करके लिखना है सेक है तो कोशेक लिखना, इतना समझ में आया। चलो बराबर कोशेक लिख दें बीस माइनस ए, कोशेक से कोशेक कैंसिल तो नब्बे माइनस टू ए बराबर बीस माइनस ए। और सुना कहानी क्या होगी, अरे नब्बे लिखो एक घने लेके आ जाओ माइनस बीस, अंकवा की एक तरफ अंकवा की एक तरफ कर दो आ ए वाला की एक तरफ माइनस ए बाने प्लस टू ए आ नब्बे में से बीस गए सत्तर आई दू में से गए ए तो ए कमान कितना डिग्री आ गए बुझाई लो एक बार बताओ तीन मान लो टेन तीन ए बराबर काट तीस माइनस ए ठीक। अच्छा आपके पानी है कि जहाँ टेन बताओ उल्टा करके लिखा ले टेन को उल्टा का लगता लेकिन लिखाई कितना नब्बे माइनस तीन ए हाई कितना बा काट हाई तीस माइनस ए। अच्छा कहीं हमने काम करते हैं काटे खातिर, अब जब काट से काट क्या गए कट गए तो कितना बचल नब्बे माइनस तीन ए हाई तीस माइनस ए अंक वाले के पास तो नब्बे माइनस तीस माइनस ए प्लस तीन ए नब्बे माइनस तीस गई साठ आई दू ए नहीं आ जा तो साठ बटा कितना जी दू बराबर ए लगे तीस ए बराबर कितना गए तीस आंसर आ गया। सीखे नोट कर लीजिए पहले चले आइए। देखो बाबू उदाहरण नंबर नौ, उदाहरण नौ दिया गया आपका तीन पैंसठ बटा काट लो, ये तो तुम लोग बनाइए लगे इसका मान कितना आएगा एक। उदाहरण नंबर दस आ जाओ, देखल तेरे समझाओ तो नहीं हो कि देखो तेरे को हम पढ़ा देनी तब तू बंद बताओ तेरे न, ये हमारा अनुभव बहुत तगड़ा है जान जा कि हम जानते हैं कि कौन है। देखो आपके पढ़ रहे हो तो नागले उदाहरण नंबर दस के पास छापी थी, हाँ बोलिए हाँ हाँ डिस्टेंसिंग बनो हाँ एकदम सही कह रहे हैं, कल मैंने बेंच निकला के उधर लग जाएगा कहीं दूरी दूरी आप कह रहे हैं। देखो सुनो एक मिनट रुकिए, देखिए वो लड़का की बात आप समझिए एकदम अच्छा बात कहा है कि भले आप भूया बैठे लेकिन दूर दूर बैठाइए ये होना चाहिए, माने जो भी टेस्ट का मतलब है कि दूर दूर बैठोगे ना तो नकल नहीं कर पाओगे। आप ऐसे कराते हैं कि जैसे लगता है भाई आपका लिखा है ये याद कर हाँ यही बात यह होता है टेस्ट में यही होता है। चल भाई हल कर कितना घन घन भाई सुनो अच्छा बताओ एक मान कितना है एक समझ सके तो क्या करना है टेन लिख दो नब्बे में से कितना घटा दो पच्चीस आ नीचे आपका कॉट क्या आ गया पच्चीस भाई नब्बे छोड़ देंगे टेन किस में कॉट में कॉट पच्चीस वाटा कॉट पच्चीस कैंसिल कितना आ गया एक। इसको तभी जस्ट बताया गया है ना कि साइन को क्रॉस कर लो और नब्बे माइनस का लिखो थ्री ए समझ रहे। अच्छा हाई क्रॉस वहीं लिख लो आई ए माइनस छब्बीस
कॉस से कॉस कैंसिल तो बचेगा 90-3 बराबर a-26। कहानी ये है कि अंक वाले को एक तरफ कर लेंगे तो 90 है आ प्लस इधर आएगा 26 आई ए है प्लस 3 आई एक से कितना आ जाएगा 16 और 4 ए हो जाएगा तो 116/4 बराबर ए तो 4 × 8 और 9×36 29 तो 1 मान आ जाएगा 29 डिग्री आंसर। लोग हम लोग पढ़ लिए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत हुआ असल है के कहानी का होगी खाली चेंज करके छोड़ देवे के बाद कॉस लिख लो और 90 कितना लिख लो 15 5 9×5 = 85 हो जाएंगे। कॉस लिख लो 90-15 लिख लो अब 90 छोड़ दो 90 छोड़ दो तो कॉस किस में चला जाएगा साइन में साइन 5 डिग्री 90 छोड़ दो कॉस किस में हो गया 15 में कॉस 15 ये हमारा क्या हो गया भाई सवाल में तो नहीं आपको एक नया मिला चलो नोट कर लो तब आपको अभ्यास करें हैं।